हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। मैंने प्याले में इसलिए निकाल दिया है कि पता चले कि दो चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया। और जनाब हमारी तकरीबन ये जो है मोरक्कन सैलेड तैयार हो गया है, पानी तकरीबन सूखने में आया। अब इसमें तकरीबन आधा नींबू मैं निचोड़ दूंगा, आधा नींबू। आधा नींबू हम निचोड़ देंगे इसमें। चूल्हे की आंच बिल्कुल कम कर दें क्योंकि पानी सूखने में आ गया। माशाल्लाह तबारकअल्लाह हमारा सैलेड मोरक्कन सैलेड तैयार है। इसको निकालने की तैयारी करता हूँ। कोई प्लेट जो भी आपको गाजर और किशमिश का सैलेड मोरक्को का बना हुआ, ये लोग फ्रूट के साथ भी ये खाते हैं और खानों के साथ भी खाते हैं। ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्ट देता है। बिरयानी अगर सही बनी हो तो बर्तन साफ़ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो बिरयानी किसी चीज़ की क्यों ना हो, तो ये सब्ज़ी बिरयानी थी, ज़बरदस्त। उम्मीद है मैं रेसिपी लिख दूँगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। चिकन विंग और सब्ज़ी बिरयानी, रायते के साथ सब्ज़ी बिरयानी। सब्ज़ी बिरयानी विथ चिकन विंग रायता।